बिहार में देखा जाए तो राजनीति के गुर जो है, कहा ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही लोग राजनीति करने लगते हैं और राजनीति की पकड़, राजनीति की समझ बिहार वासियों को अच्छी तरह से होती है। लेकिन बात जब आती है, जब एक चुनाव के समय में बातें उभरती है कि नहीं फलाना प्रत्याशी फलाना विधानसभा से जीत रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हकीकत होती है, जमीनी स्तर की बातें हम आपको बताते हैं। अब देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं और जमीनी स्तर की जो सच्चाई होती है कि जमीनी स्तर पर आखिर किनकी चर्चा है, कौन से प्रत्याशी अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं। तो किसान वर्ग के सभी लोग हैं, ये खाने कमाने वाले किसान वर्ग के लोग हैं और आज मेरी मुलाकात हो गई अचानक से, तो मैं सोचा आज जो है आपको जमीनी स्तर से वाकिफ कराता हूँ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विपिन कुमार पंडित, घर विसमरचक, थाना अमरपुर, जिला बांका के रहने स्थायी निवासी हूँ। अच्छा, तो चर्चा तो होगी ही, चुनाव आ गया है तो चर्चा तो चलती ही होगी। हाँ, चर्चा तो चल रही है कब्बे से और चलते रहेगा जब तक चुनाव नहीं खत्म हुआ है। और जहाँ तक विशेष में आप लोग आए हैं यहाँ पे मिरलाल शेखर के पीछे, ये तो बेचारा 5 साल से संघर्ष कर रहा है, उसके पहले इलेक्शन लड़ा था, वो हार भी गया, हारने के बाद फिर वो परेशान है 5 साल से, हर एक जनता से मिल रहा है, मिलते जुलते बच्चा छोटा सबसे मिल, दोनों हाथ जोड़ के मिल रहा है, ऐसे नहीं कि मतलब आए और चला गए क्या हाल है ऐसे बाय बाय, उस तरह नहीं, दोनों हाथ जोड़ के मिल रहा है। लेकिन तब पर भी बात यहाँ ये है कि जदयू का सीट है, अब भाजपा आके बीच में आके झंडा लेके खड़ा हो गए, दे दिए हैं मिरलाल शेखर को, क्या ये जीतने का कोई नहीं। तो पिछली बार अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में जब भी आता हूँ तो एक जो है व्यक्ति, एक प्रत्याशी का नाम जरूर आता है, मिरलाल शेखर, और आज मिरलाल शेखर का एक कार्यक्रम था, उसी को कवर करने के लिए आया था। तो बातें यहाँ पर आ रही है कि पिछली बार मिरलाल शेखर यहाँ से हार गए थे, पिछली बार विधानसभा में, लेकिन उस समय जदयू भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं थी, लेकिन इस बार तो गठबंधन में है, तो हो सकता है पार्टी, इसलिए हाँ तो यही बता रहे हैं कि चांस मिले तब न। अब वो तो डायरेक्ट कह रहा है कि पहले नीतीश बोल चुका है कि जो हारा, जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसी को टिकट देंगे, अगर यदि उसको टिकट नहीं दे के अगर देने के लिए चाहेगा भाजपा को सीट, यहाँ दे मिरलाल शेखर सीट भाजपा को बनाएगा सीट अमरपुर में, अमरपुर विधानसभा से, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, जीत सकता है आराम से। मिरलाल शेखर बार बार एक चीज़ का दावा करते हैं कि हारने के बाद भी हम जो है क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं बता सकते हैं, क्या करेगा नहीं हारने के बाद या जितने बोले, पिछली बार जब हम विधानसभा में हार गए थे उसके बाद भी 5 साल हम सक्रिय रहे हैं, लोगों से मिल क्षेत्र में रहे, ये तो इस पहले से भी बता रहे हैं कि वो पहले से परेशान है दोनों हाथ जोड़ के, कि पीछे जनता के पीछे पड़ा हुआ कि हम गलती नहीं किए, हमको एक बार देखिए आप लोग, एक बार किसी तरह जिताइए हम लोग, किसी भी तरह का बात होता है तो मिरलाल शेखर जो है वो हमेशा तैयार रहता है जनता के पीछे, इसमें कोई बात नहीं, दो बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि बेचारा थोड़ा सा परेशान हो गया, हारने के बाद थोड़ा सा शर्मिंदा तो होता ही होता है। और कुछ लोग और हैं, खासकर सभी ये सब जितने भी लोग हैं ये सारे किसान वर्ग के लोग हैं और ये सारे ज़मीन से जुड़े लोग हैं, और ज़मीन से जुड़े लोगों की एक बहुत बड़ी हकीकत बातें ये होती है कि उनको सारी बातें, सच्चाई पता होती है, हकीकत क्या होती है, ज़मीनी स्तर पे क्या चर्चा चल रही है। और यहाँ ये आप ही, ये गुहाल किसका, आपका है? नहीं, आपका है। तो हकीकत में ये बात आप बताइए कि ज़मीनी स्तर पर चर्चा किसकी है? मिरलाल शेखर की, मिरलाल शेखर। जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं मिरलाल शेखर, तो लोग ये भी कहेंगे हो सकता है कि मिरलाल शेखर के चाहने वालों को बैठा दिया गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि हम अचानक यहाँ पर आए थे और हमको ऐसा लगा कि आप लोग, जी जदयू में पार्टी का आदमी हम लोग हैं, लेकिन अभी वोट उसको नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा, ऐसा क्यों? उसका विधायक ठीक नहीं है। कौन है अभी यहाँ? अगर जनार्दन मंजी विरोधी हो जाएंगे, इसी को देंगे वोट हम लोग। मिरलाल शेखर को प्रत्याशी को बदल सकता है, नीतीश कुमार अगर प्रत्याशी अपना बदल सकता है तभी उनको जीत का हासिल हो सकता है, अगर जीत नहीं बदलेगा तो ऑटोमेटिक हो सकता है कि वो फेंका जाएगा यहाँ से। यानी जनार्दन मांझी को आप लोग पसंद? जी हम लोग पसंद नहीं करते, चूंकि वो एक बार देखने के लिए भी नहीं आया है कि हमारे ग्राम में क्या हुआ, लेकिन अभी जनता उसको चिंता नहीं है कि कौन विधायक मेरा है, जीतने के बाद वो अपना सोचता है हम अपना बड़े नेता बन गए, लेकिन तभी आज तक जनता के बीच देखा है उसको, तो यहाँ तक देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेज आया तो वो अपना बहुत सी घर है,
बौसी घर है, बौसी भी ले जाने के लिए चाह रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए। क्या बताएंगे, कुछ ऐसा छिपा हुआ है और जो छिपा के जो हम लोग को क्या उतना मतलब है, जनता नेतागिरी नहीं कर रहे हैं हम लोग। समय सुनिए एक, अभी देखिए नीतीश कुमार जल नल योजना का सब दिया है सब जगह। अभी अभी पता करिए, दिसंबर तक हमारा घर हुआ बगल में, दिसंबर तक बी डी अकेडमी स्कूल के बगल में तीन नंबर में है। जाके पता करिए वो नलका कट हो पानी पी रहा क्या, कितना दिन चला। 300 फीट है, देखिए यहाँ 300 फीट है सरकारी कानूनियन देने का, 300 फीट अंदर जाएगा पानी बोरिंग पाइप। अभी 80 फीट में पानी नहीं है, अब 80 फीट में जब पानी नहीं है तो उसको जाके देखिए। बाबा एक बहुत ही बुजुर्ग बाबा, इनसे तो खैर इच्छा बाबा, कितनी उम्र कितनी हो रही है आपकी? हमारा उम्र 85 जा रहा है। 85? बाप रे बाप, तो राजनीति को मतलब ये जो चुनाव होता है तो बरसों से, मतलब 85 साल से। हम तो इंदिरा गांधी से, मुरारी से आज आ रहे हैं, अब देखते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी से आज तक कोई कुछ नेता कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, उस समय जब आप लोग इंदिरा गांधी जिस समय मुख्यमंत्री बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बनी थी, तो आप लोग वोट किए थे? हाँ वोट तो किए थे उसको, हाँ वोट दिए थे। और अभी उस समय जब बाबा आप लोग उस समय जब आप वोट करते थे, उस समय का जो माहौल होता था, जो राजनीति का माहौल होता था, और अभी जो आप देख रहे हैं, तो कितना अंतर आया है? बहुत अंतर है, पुरनका से नए काम है, बहुत प्रभावित हो गया दूसरा यही। हाँ, नीतीश कुमार को कैसा नेता मानते हैं, कैसा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार तो आज तक तो ठीक किया है, लेकिन जन योजना में ही फंस गया। जल नल योजना में फंस गया, जन योजना में वो फंस गया। आर तो सब ठीक किया, चावल दिया, गहूँ दिया, पैसा दिया, रोड बनवाया, सब कुछ किया, लेकिन जन योजना में ही फंस गया। एक भी घर में पानी नहीं आ रहा। और क्या बता दे रहे आपको, उसने क्या बोला था कि हम जीतेंगे तो 1 लाख तक का जितना भी है गरीब आदमी लोन लिया है, 1 लाख तक का लोन हम माफ कर देंगे। 15 साल राज मेरा हो गया और आराम से हम घूर लिए, लेकिन तुम लोग का गरीबी हालत हम देख के, हम जो दिए पैसा MSTP वाला लोन, किसान वाला लोन, 1 लाख तक का लोन जो दिया, वो बोला था अपने मुंह से स्टेज पे बोला था कि माफ कर देंगे, लेकिन माफ करेगा वो? एक बार हम बाबा से जानेंगे। बाबा आपके क्षेत्र में एक जो है प्रत्याशी मृणाल शेखर जो कि चर्चा में है, और अभी हम उन्हीं का एक कार्यक्रम जो है न्यूज बनाने के लिए आए हुए थे, कैसा नेता है, कैसा लड़का मानते हैं? देखो अभी जो प्रत्याशी आ रहे हैं नया जी, वो तो अभी तो भाषा तो अभी ठीक है जा रहा है। नहीं, हम मृणाल शेखर के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका राजेश शेखर के बात बोल रहे हैं, वो अभी जो नया आ रहा है। गिनते हैं आप? हाँ खूब पूरा गिनते हैं। कैसा नेता है? नेता तो वही तो बता रहे हैं, वो नेता तो अभी तो खड़े न हो रहा है, वो अभी खड़े हो रहा है। और प्रत्याशी आए जद्दू से है, तो जद्दू से हटेगा तभी नहीं जीतेगा, तो ऐसा नहीं जी सकता। इसको टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? टिकट आपको ये चाहते हैं कि NDA से जो है, पिछली बार तो गठबंधन में नीतीश कुमार और मोदी जी गठबंधन में नहीं थे, तो इसलिए मृणाल शेखर अलग लड़े और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं जदयू के जनार्दन मांझी वो अलग लड़े, लेकिन इस बार तो गठबंधन में है, तो क्या चाहते हैं कि मृणाल को टिकट मिले? हाँ मृणाल को टिकट तो इस तरीके से मिल सकता है, जब जब वो मांझी जी हटेगा तो इसको टिकट मिलेगा। मांझी जीतन राम मांझी को कैसा मानते हैं? वो तो सबसे बगड़ा नेता है, सबसे बगड़ा नेता, हम तो ऐसे कहेंगे, उसका ऐसा नेता हम कभी नहीं देखे हैं। पर वो स्थान पर उसको उसको मांझी को पूछिएगा, हमारे ठोकरबाजी का स्थान खोल करके अपने से बोरा लगा है वहाँ जा करके कि हम जीतेंगे तो अपना खता से हम इसको मंदिर बनवा देंगे, और आज तक नहीं मंदिर बनवाया है। आखिरी आते तो उसको बढ़िया से पूछते दरवाजा पर, अच्छा से बेइज्जत कर देते उसको। बाबा जो है बार बार नीतीश कुमार पर यह कहकर निशाना साध रहे थे कि उनका जो नल जल योजना वो लाए हैं उसमें वो फंस गए, और उसकी हकीकत भी दिखा देते हैं कि ये नल है और इसमें जो है जल कहाँ है। हम बता रहे सर, ये जो वार्ड नंबर 2 में जो नल जल योजना का कार्यक्रम किया, ये सिर्फ सक्सेसफुल जो है नहीं है सर, और आज तक हम लोगों को पानी कभी भी नहीं मिला है। और जब हम लोग मुखिया जी को इनका एप्लीकेशन दिए
वीडियो साहब को भी दिए, प्रमुख को दिए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। इसलिए बोला कि ये योजना जो है खत्म हो चुका है और ये योजना का पैसा उड़ गया, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकता। अब बोलिए हम लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मुखिया जी से कोई एक्शन नहीं लिया, ना वीडियो लिया और ना प्रमुख लिया। चूँकि इसलिए वीडियो भी हरिजन है, मुखिया भी मतलब कि दमंग है और प्रमुख तो हरिजन है, तो सब अपना सीट मिला करके वो अपना मनमानी किया है। हम लोग जनता का कोई निराकरण नहीं किया, इसलिए हम लोग नाराज हैं। जी हम लोग इसी पर नल जल योजना से इधर दिखाइए नीतीश कुमार से ये लोग नाराज है सर। हाँ, कि यही जल योजना के लिए पानी नहीं मिल रहा है, खर्च हो गया 13 लाख 14 लाख, घर में पानी नहीं आ रहा, एक भी घर में पानी नहीं आ रहा है। इनसे भी पूछ लेते हैं, खासकर किसान के वर्ग के ही है। मृणाल शेखर कैसे नेता? अच्छा नेता है, इसको जितना चाहिए भरपूर से। हाँ, हम लोग खाने के गए नहीं है वहाँ सर, हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, सब तरह से जानते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। उन लोग को सबसे बड़ा बेकार कर दिया, नल जल योजना हम लोगों को सही मिल जाएगा, उन लोग को टिकट मिलाल सागर को मिलना चाहिए, इसको मिलाल सागर को मिलना चाहिए। खर्च करता है सरकार, लेकिन दुरुपयोग उपयोग नहीं हुआ, नहीं ये उपयोग होना। तो जमीनी स्तर पर जो हकीकत है सरकार की, तो जैसे बोल सकते हैं कि जमीनी स्तर की जो हकीकत है, खासकर चुनाव को लेकर अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में जिनकी चर्चा है, खासकर ये किसान वर्ग के लोग हैं और जमीनी हकीकत से ये वाकिफ हैं, ये कैसे प्रत्याशी को चाहते हैं और वर्तमान के जो विधायक हैं उनसे ये नाखुश हैं,